Hello student, welcome back to my channel. Today we will start question number 11 of exercise 6.5. So let's start. The question number 11 is, an aeroplane leaves an airport and fly due north at a speed of 1000 km per hour. So dekhi, jo given hai, hum likhte jaate hain. Speed, aapko given hai 1000 km per hour. Right, at the same time another aeroplane leave the same airport and fly due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be two plane after 1.5 hours? Yani ki aapke paas time bhi given hai 1.5 hours. This implies 2 ones are 2, 3 by 2 hours. Ye aapko pata hai, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये ऐड, तो 2 ones are 2, उसमें 1 ऐड किया 3, डिनोमिनेटर एज इट इज. यानी कि आपको हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन, जो दो प्लेन है जो नॉर्थ से जा रहा है और वेस्ट से, वो दोनों का डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई टू नॉर्थ, नॉर्थ को गया ये एरोप्लेन, स्पीड कितनी 1000 किलोमीटर पर आवर. सेम टाइम पे अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट, वो वेस्ट की तरफ गया, यानी ये स्पीड 1200 किलोमीटर पर. हाउ फार अपार्ट, यानी कि ये दोनों आपको ये फाइंड आउट करना है, इन दोनों का डिस्टेंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्टेंस निकालते हैं. डिस्टेंस covered by first aeroplane in 1.5 hour. Time आपको पता ही है कितना होगा. Distance क्या होता है, speed into time. Speed आपके पास given है 1000 किलोमीटर per hour. Per hour, per hour ये denominator में आता है. Into time है 3 by 2 hours. R से R cancel. 2 ones are 2, 5s are 10, 0 0, 5 threes are 15, 0 0 kilometer. First का distance आपके पास आ गया 1500 किलोमीटर, यानी कि north side का आपके पास कितना आ गया 1500 किलोमीटर. ठीक है, now अगली speed क्या है 1200. स्पीड आपको गिवन है 1200 किलोमीटर पर आवर एंड सेम टाइम, यानी कि टाइम आपको वही है 1.5 hour, इट मींस 3 by 2 hours. अब डिस्टेंस निकालते हैं. डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड एरोप्लेन, पूरा लिखना चाहें तो पूरा, एरोप्लेन फ्लाई वेस्ट इन 1.5 hour, अदरवाइज डायरेक्ट इन 1.5 hour. क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. स्पीड आपको गिवन है 1200 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम वही 3 by 2 hour. R से R कैंसिल. 2 sixes are 1200, 6 threes are 1800 किलोमीटर. ये आपके पास आ गया 1800 किलोमीटर. आपने दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया. अब हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस. हमने तो अभी नॉर्थ और वेस्ट निकाला, अब दोनों प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड आउट कर. फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है. इन ट्राइंगल ए ओ बी, जिसमें हमें पता है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस. देखो बच्चों, पाइथागोरस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये नॉर्थ और ये आपका 90 हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जब आपको परपेंडिकुलर मिल गया तो हम वहां पे पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं. अब ए बी की वैल्यू तो आपको गिवन ही नहीं है, ओ ए आपको कितना है 1500
किलोमीटर स्क्वायर प्लस ओबीज 1800 किलोमीटर स्क्वायर। 15 15 2 2 5 पता है आपको, और 100 को 100 से करेंगे तो 1 2 3 4 किलोमीटर को किलोमीटर से स्क्वायर। ये हमें इनको मल्टीप्लाई किया, कैसे किया, 1500 into 1500 15 15 2 2 5 हाउ मेनी जीरो लेफ्ट, 1 2 3 4 वो हमने लगा दी। ठीक है, सेम 18 18 3 24 अगर इधर 18 कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3 2 4 हाउ मेनी जीरो, 4 1 2 3 4 किलोमीटर हो जाएंगे। तो ऐड करिए 5, देखिए 40 तो एज इट इज उतार दो, किलोमीटर स्क्वायर भी एज इट इज उतार दो, 5 and 4 9 2 and 2 4 and 2 and 3 5 आपके पास आ गया ये वैल्यू। अब इसको हम क्या करते हैं, हमें तो ए बी स्क्वायर है और हमें क्या निकालना है, सिर्फ ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, इसको अंडर रूट में डाल देंगे, 5 4 9 4 times 0 किलोमीटर स्क्वायर। यूनिट अगर आप यहाँ नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन लास्ट में उसे मेंशन जरूर कीजिएगा। अब देखिए हमें पता है अंडर रूट में हम लिख सकते हैं 5 4 9 into ये 2 0 2 0 तो इनको पेयर बना दो 100 और 100 का। इसको हम सॉल्व करते हैं 549। अब 549 सबसे पहले देखना है किससे जाए, देखिए 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि आपका वंस प्लेस पे 9, 3 से ट्राई करते हैं, 3 1 3 3 8 24 3 3 9 अगेन 3 6 18 3 1 3 61 1 यानी कि आपके पास 3 तो पेयर में आ गया, 61 जो है वो आपके पास अकेला है। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो ए बी यहाँ लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू 3 multiply 3 multiply 61 multiply 100 into 100 into KM into KM 3 पेयर बाहर, 100 बाहर, 61 अंडर रूट में और किलोमीटर बाहर। ए बी, ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 को 100 से किया 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ टू प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन भी लिख सकते हैं ऑफ टू प्लेन इज 300 root 61 किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस आपको मिले। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों टेक केयर, बाय बाय।